वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक हॉल वीडियो लेकर, जो कि होने वाली है मीशो से। तो मीशो आपको पता है इंडिया की मोस्ट फेवरेट ऐप बन चुकी है आज के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही रिजनेबल और होलसेल प्राइस में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है जो भी आप लेना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सामान होता है, जो भी लेते हैं आपको बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाता है। तो अगर आपने मीशो को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू मीशो को डाउनलोड करते हैं तो आपको आपके फर्स्ट परचेज पर 100% ऑफ और अप टू 30% ऑफ मिल सकता है। तो चलिए अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या मंगवाया है। आज एक तो ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो मैंने पहन रखी है ये मैंने मंगवाई है, और दो साड़ियां हैं, एक लावण्या की ड्रेस है। तो जो भी मैंने खरीदा है उसका कोड जो है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मीशो में लिंक नहीं होते हैं, कोड होते हैं। तो आपने पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का था कि हमने दीदी सेम आपकी तरह ही लिया है, आप लोगों को मेरी पसंद जो है अच्छी लगी, तो एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको पता है जैसे अब करवा चौथ, शादियाँ ये सब आ रहे हैं, तो साड़ी जो हमारे यहाँ तो ओकेजनली ही लगती है। तो मैंने भी अपने करवा चौथ के लिए एक साड़ी मंगवाई है जो कि सिंपल सी है बट बहुत ब्यूटीफुल है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दो साड़ियाँ मैंने एक्चुअली मंगवा रखी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पिंक कलर की डार्क रानी शेड की ये साड़ी है, और इसमें ना थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है बस, हाँ इस तरीके का कलर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, और ये देखिए ये पल्ले की साइड से पहले खुल गई है। तो ये देखिए ये इसका आपको पल्लू मिलता है, और सिंपल साड़ी है इस तरीके का, आप देख सकते हैं इसमें डॉट डॉट से लाइन सी है और डॉट डॉट से आपको ये दिखते हैं, ये देखिए नज़दीक से तो ये आपको डॉट डॉट मिल जाते हैं, और चारों तरफ आपको मिलती है ये गोटा पत्ती वाला वर्क मिल जाता है इस तरीके से। बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम उभर के आ रहा है गोल्डन कलर का, पिंक कलर पे इस तरीके से। तो पल्लू पे आपको मिल जाते हैं ये इस तरीके की दो लटकन मिल जाती है, और बहुत ही अच्छी लग रही है ग्रीन कलर में। पूरी साड़ी जो है आपको प्लेन मिलती है, और ये आपको चारों तरफ मिलता है, खाली जहाँ पर प्लेट्स बनती है वहाँ पर आपको ये बॉर्डर नहीं मिलता है, बाकी पूरी साड़ी पर आपको ये बॉर्डर मिल जाता है। ये देखिए ये यहाँ से आगे आपकी प्लेट्स बनती है, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ आपको मिलेगा। और ब्लाउज जो है वो इसमें ही अटैच है, और साड़ी की लेंथ अच्छी खासी है, बाकी आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं। तो ये आपको साइड में मिल जाता है ब्लाउज पीस, ये देखिए ये आपको ब्लाउज के लिए सेम लेस मिलती है, इसे आप चाहे तो बैक साइड में लगा सकते हैं, इसे आप चाहे तो बाजुओं में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके की आपको ये ब्लाउज पीस इसी के साथ मिल जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, लाइट वेट साड़ी है, और बनने के बाद पहनने के बाद इसका लुक जो है वो आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो मतलब डेली यूज़ के लिए, जिनके यहाँ साड़ियाँ हमेशा पहनते हैं डेली यूज़ के लिए, ये साड़ी बहुत अच्छी है। वैसे भी आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन हो, पूजा हो, आप इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही मतलब पार्टी वेयर सा लुक आएगा अगर आप इसको हल्की सी ज्वेलरी के साथ, गोल्डन ज्वेलरी के साथ आप इसको वेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये मैंने ली है, और 500 समथिंग की है, 506 की 500 रुपए के आसपास ही है, 506 रुपए या कुछ ऐसे थी। तो मीशो में ना रेट भी अप डाउन होते रहते हैं जैसे सेल वगैरह चलती रहती है, तो कई बार कम भी आपको ये कम में भी मिल सकती है। तो ये थी पहली साड़ी, और तो दूसरी साड़ी ये है, बहुत ही खूबसूरत वाइन कलर में, सेम वैसा कलर है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और सिंपल है, सोबर है, और इतनी सुंदर लगती है, मतलब हैवी लुक एकदम आपको देती है। तो जैसे ही मैंने साड़ी वाली कैटेगरी खोली थी, साड़ी में मतलब ये बार बार मेरे पास आ रही थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी होगी। फिर मैंने इसके रिव्यू चेक किए, रिव्यूज जो है इसके 50-50 थे, कुछ लोगों ने बोला था अच्छी है, कुछ लोगों ने बोला था कि सो ठीक ठीक है। फिर मुझे लगा चलिए 600 रुपये के आसपास है तो मैं मंगवा देती हूँ, 650 की शायद है, फिर ये मैंने मंगवा ली। और इससे जो ये पहले मैंने आपको दिखाई, इससे हैवी साड़ी ये है, और 100 रुपये का फ़र्क है। तो चलिए बढ़ते हैं साड़ी की ओर। सबसे पहले बता देती हूँ, जो पहले फैब्रिक था वो जॉर्जेट का था, जो ये वाला फैब्रिक है ना ये साटन का फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आपको पता लग रहा होगा क्वालिटी का। तो ये देखिए पल्लू की तरफ से ये भी
ओपन हो गई। हाँ पल्लू की तरफ से तो देखिए ये आपको सिंपल चारों तरफ आपको ये बॉर्डर मिलता है, इस तरीके का आपको बॉर्डर मिलता है। ये आप देख सकते हैं सीक्वेंस वर्क है और चेन स्टिच होते हैं ना गोल्डन कलर के थ्रेड से वो है, और पाइपिंग लगी है चारों तरफ नीट एंड क्लीन, और गोल्डन और वाइन कलर का जो कॉम्बिनेशन लग रहा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलती है, और ये वही प्लेट्स की जगह है जहाँ पर आपकी प्लीट्स बनेगी, तो यहाँ से ये आपके कमर पर आएगी, ये प्लीट्स बनेगी। और साड़ी पहनने के बाद में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, एकदम से प्लेट्स इसमें बहुत अच्छी रह रही है। मतलब जो ये ऐसी साड़ियाँ होती है ना साटन जॉर्जेट की, इसमें प्लेट्स बहुत अच्छे से बनती है। जैसे मेरे जैसे कोई हो बहुत कम साड़ी पहनते हैं साल में कभी एक आध बार या कभी फंक्शन में, तो उन लोगों के लिए ठीक है, एकदम से प्लेट्स बन जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो इस तरीके की है, और ब्लाउज पीस आपको इसमें अलग मिल जाता है, मतलब इसी के साथ अटैच था तो मैंने ये निकाल दिया है। ये देखिए इतना खूबसूरत ना, आप साथ में मैंने आपको फोटो दिखाई है इसकी ओरिजिनल जो पिक है, तो ये देखिए इस तरीके का ये आपको ब्लाउज पीस मिलता है। और ये ना मतलब वही है गोल्डन जरी का वर्क, और ये सीक्वेंस है चार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इस ब्लाउज को आप मतलब अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला ब्लाउज। और प्लेन साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ये आप देख सकते हैं, बाकी साड़ी में कोई वर्क नहीं है। और मुझे मोस्टली प्लेन और हल्की साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इस तरीके का ये ब्लाउज पीस है, काफ़ी अच्छा है, इसमें मतलब बन जाएगा ब्लाउज हेल्दी से हेल्दी का, तो या बहुत ज़्यादा हेल्दी का तो शायद नहीं बनेगा, बट कपड़ा अच्छा है और सिल्क फैब्रिक में है, ये सिल्क ब्लेंड में है ये फैब्रिक, बहुत अच्छा ब्लाउज़ है। और ये साड़ी है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इसमें ना कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, मतलब ग्रीन डार्क डार्क कलर है सारे, मरून है, ग्रीन है, और मुझे याद नहीं है, तो आप देख लेना अगर आपको देखना है। तो ये थी दो साड़ियाँ, और उसके बाद मैंने ना एक ब्लाउज़ मंगवाया है ये वाला, तो रेडीमेड ब्लाउज़ मैंने ये मंगवाया, और इसकी फिटिंग ना जस्ट ऑसम मैं बोलूँगी। आपने देखा ही होगा ट्राई ऑन में, आप देख भी सकते हैं, तो ये मैंने साड़ियों के साथ वेयर किया है। और ये मैंने वैसे मंगवाया है गोल्डन कलर का, क्योंकि मुझे लगता है गोल्डन कलर के जो ब्लाउज़ है ना वो आपके बहुत सारे आउटफिट के साथ चले जाते हैं, जैसे आप लहंगा पहनना चाहते हो तो गोल्डन कलर का ब्लाउज़ बहुत सारे, क्योंकि हर साड़ी लहंगे में गोल्डन कलर का वर्क तो रहता ही रहता है, तो ये बहुत सारे आउटफिट के साथ जाता है, पिंक के साथ, ऑरेंज के साथ, ग्रीन के साथ, इसमें बहुत सारे कलर है, बहुत सारे कलर है। और इसका जो फैब्रिक है ना ये कुछ ये भी सिल्क ब्लेंड सा है, और इस पर आपको ये पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, आप देख सकते हैं, और सामने आपको ये जिप मिल जाती है, और नीचे ना इस तरीके का है ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये कट बने हैं, मतलब बहुत ही प्यारी इसकी शेप आती है। और बैक साइड से ये देखिए इस तरीके का नेक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और स्लीवलेस ये भी है, बट स्लीव्स इसके साथ दी हुई है अंदर, मैंने पता नहीं अभी कहाँ रख दी है, हाफ स्लीव्स दी हुई है, 2 इंच 2.5 इंच की स्लीव्स आप अटैच कर सकते हैं, इनकेस अगर आप लगाना चाहते हैं स्लीव्स पहनना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये भी है, अगर मार्केट में लेने जाओ ना तो कम से कम 600-700 कम से कम मिलेगा, और यहाँ पर 400 कुछ का ये मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो ये आपकी बहुत सारी साड़ियों के साथ मैच हो जाता है, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जिनके ब्लाउज़ हम लोग पहनते नहीं हैं, तो ब्लाउज़ ज़्यादा सिलवा के फ़ायदा नहीं होता, तो ये चल पड़ता है सबके साथ, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया है। और फोर्थ जो है वो मंगवाई है मैंने लावण्या के लिए ड्रेस, इस ड्रेस को मैंने अमेजोन पे देखा था और तब से मैं सोच रही थी, तो काफ़ी टाइम से मैं इसे देखती थी, फिर मैं हटा देती थी, मतलब कार्ट में डाल देती थी फिर हटा देती थी। तो ये देखिए ये आपको मिल जाता है अंदर से स्लीवलेस एक ऐसा फ्रॉक, और ये जो है मटेरियल रेयन है, रेयन मटेरियल में मिलता है, और नीचे जाकर आपको ये देखिए ये इसमें वो मिल जाती है, गोटा मिल जाता है लगा हुआ, गोटा पट्टी इसमें लगी है आपको, अम्ब्रेला कट है ये, और इसमें स्लीव्स वगैरह नहीं है, और यहाँ पर ये इस तरीके का है, देखिए बटन्स लगे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, नेक बहुत अच्छा है, बाकी ट्राई ऑन में आप देख सकते हैं, लावण्या को मैंने पहनाया था, और ये मिल जाता है इसके ऊपर से आपको श्रग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बट ये ना थोड़ा सा चुभ रहा है, लावण्या बोल रही थी कि मम्मा चंदेरी कॉटन थोड़ा चुभता ही है, जैसे यहाँ पर ये जॉइंट है और यहाँ पर इंटरलॉक है ना, तो हल्का सा उसे लग रहा था, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हैं, और इस तरीके की ये बेल स्लीव्स के साथ आपको मिलता है, और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है जो ये आप देखेंगे ना, ये एक आपको कटआउट मिलता है, यहाँ पर आपको हुक मिल जाती है,
और यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाता है, ओपनेबल है ये, और ये आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। और हाँ, इस तरीके से आपको नीचे इस पर मतलब कट मिलता है, श्रग है ये, और बैक साइड से आपको ये पूरा प्लेन मिलता है। तो जब ये दोनों साथ में मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। तो ये चंदेरी कॉटन का है और ये रेयॉन का है, और साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट आया है। इससे पहले मैंने एक ड्रेस लावण्या के लिए मंगवा लिया था, बट वो 8 से 9 साल का मैंने मंगवाया था, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो उसे रिटर्न करके मैंने ये मंगवाया है। ये 7 से 8 साल के बच्चे का, और एग्जैक्ट फिट इसको आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत खुश हुई ये ड्रेस के साथ लावण्या। लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ ये ड्रेस जो मैंने पहन रखी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी आपको जॉर्जेट में मिल जाती है, इसका फैब्रिक जो है जॉर्जेट है, और साइड में आपको मिल जाता है एक कटआउट, जैसा कि आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं, इस तरीके का जॉर्जेट का फैब्रिक है, और इसमें आपको नीचे तक लाइनिंग मिलती है, इतनी जगह छोड़ के आपको नीचे तक लाइनिंग मिलती है। तो इनकेस अगर आपको ये आपकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ आपको ज्यादा आ रही है, तो आप इसे ऑल्टर भी कर सकते हैं इजिली, यहां से आप इसे छोटा कर सकते हैं। लाइनिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, सॉफ्ट वाली लाइनिंग, और ऊपर वाले पार्ट में जो इसकी लाइनिंग है वो सिंथेटिक है, और नीचे में ये आपको कॉटन मिक्स मिल जाती है। और स्लीव्स आप देख सकते हैं, स्लीव्स पे इस तरीके का ये पैटर्न मिल जाता है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, और सिल्वर वर्क है, सिल्वर गोल्डन मिक्स है, एकदम सिल्वर भी नहीं है, एकदम गोल्डन भी नहीं है, सिल्वर टच का है। तो ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, सेम आपको ऐसी प्लाजो पर भी मिल जाती है, और पूरे ड्रेस पे आपको इस तरीके की ये बूटियां मिल जाती है। ये देखिए, ये वर्क है, बिल्कुल प्रिंट नहीं है, कोई रबड़ प्रिंट नहीं है, ये आपको धागे का काम मिलता है, धागे का, देखिए धागे से ये बूटियां बनी है, और पूरी ड्रेस पर इस तरीके की बूटियां बनी है। और ये बॉटल ग्रीन कलर में मैंने इसे लिया है, लार्ज साइज में मैंने इसे लिया है, और इसमें एक शायद रेड या मरून कलर है, एक और कलर है इसमें, ग्रीन सा है, पीकॉक ग्रीन सा कलर है, वो भी बहुत खूबसूरत है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और रेट वाइज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 1000 कुछ की मुझे ये पूरी ड्रेस मिली है। और ये वाला फैब्रिक जो इसके अपर का फैब्रिक है, ये जॉर्जेट है, और जो इसके लोअर का फैब्रिक है, जो इसके बॉटम का फैब्रिक है प्लाजो का, वो आपको रेयॉन मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, के नीचे किनारे पर आपको इसी तरीके का ये वर्क मिल जाता है, जो कि देखने में और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बॉटल ग्रीन कलर में ये ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने जो जो परचेज किया था वो मैंने आपको दिखा दिया। आई होप हमेशा की तरह आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आपको आज की वीडियो में कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा और मेरे ऊपर कौन सा सूट हो रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बिना लाइक के तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।